ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, 100 सालों के इतिहास के बाद इस साल 2023 में करवा चौथ पर तीन ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे करवा चौथ का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं इस साल 2023 में करवा चौथ कब है, करवा चौथ की पूजा की विधि क्या है और इसी के साथ कोई भी लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई भी विघ्न आ रही है, बाधा आ रही है या दोस्तों पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, आपसी दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो करवा चौथ के दिन तीन ऐसे में आसान से उपाय इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसको अगर करवा चौथ के दिन कर लिया तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर कई बार कमेंट्स में हमारे को पूछा गया है कि अगर किसी भी महिला का पीरियड चल रहा है तो उसको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं और साथ ही क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ विधि अनुसार पूजा अर्चना भी करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है ना, इस दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में चंद्रमा को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि महिलाएं जो दिन भर उपवास करके शाम को व्रत खोलती है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं भी है जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के लगभग कई राज्यों में मनाया जाता है। माना जाता है कि यह व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है और इस बार 100 सालों के इतिहास के बाद करवा चौथ पर एक महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे करवा चौथ का जो महत्व है वो और भी ज्यादा कई गुना बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि महाभारत काल से ही करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा है, तब से लेकर आज तक इस व्रत को नियमानुसार रखा जाता है। और वहीं इस साल चतुर्थी तिथि जो है 31 अक्टूबर की रात को 10:42 से शुरू हो रही है जिसका समापन अगले दिन यानी कि 1 नवंबर की रात को 9:19 पर होगा। और उदिया तिथि के अनुसार इस साल 2023 में भी 1 नवंबर के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के दिन यानी कि 1 नवंबर के दिन चंद्रोदय कब होगा, चांद निकलने का समय कितने बजे होगा। तो आपको बता दें 1 नवंबर 2023 में यानी कि करवा चौथ की रात्रि में 8:15 पर इस बार चंद्रोदय होगा। करवा चौथ पूजा की अगर मुहूर्त की बात करें तो शाम के समय 5:36 से शुरू होगा जो कि 6:54 तक रहेगा। और वहीं अमृत काल का जो मुहूर्त है ना वो 7:34 से शुरू होगा जो कि 9:13 तक रहेगा। इस समय आप चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा शुभ भी रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस बार करवा चौथ पर ऐसा क्या शुभ योग का निर्माण हो रहा है जो कि करवा चौथ के त्योहार को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। तो इस बार करवा चौथ जो है ना वो सुहागिन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाला है, यानी कि 100 सालों के इतिहास के बाद इस बार चंद्रमा के अंदर मंगल और बुध एक साथ विराजमान है जिस कारण करवा चौथ के दिन बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिव योग और शिव वास के अलावा स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, इसीलिए यह करवा चौथ काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देगी, भगवान चंद्रदेव और माता करवा जी की पूजा से उनकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन माँ गौरी और भगवान शिव के साथ ही भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में और उसके बाद अपन कुछ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके
नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता हासिल होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी और किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले यानी कि एंगेजमेंट और सगाई से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के दिन पूजा की विधि के बारे में, किस तरह से आपको करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, करवा चौथ के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए और स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन निर्जला व्रत रखें, बाद में अपनी पूजा की सामग्री को एकत्रित करें और उसके बाद घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं, फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी की तस्वीर स्थापित करें और वहीं आप अपनी पूजा की थाली में दीपक, सिंदूर, कुमकुम, रोली और करवे में जल भरकर रखें। फिर करवा चौथ व्रत की कथा सुने, रात में चांद के निकलने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पानी पीकर अपना व्रत खोलें। करवा चौथ के दिन पति के हाथों से ही पानी पीना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल जो है प्राप्त होगा। चलिए अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि सभी व्यक्ति बार बार पूछते हैं कि क्या पीरियड में करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए या नहीं, क्या कहता है इसके पीछे का नियम। मित्रों, अगर आपको करवा चौथ के दिन पीरियड यानी कि मासिक धर्म शुरू हो जाए तो क्या करवा चौथ की पूजा और व्रत रखना चाहिए या नहीं? ऐसे में सभी लोगों के मन में यह संशय बना रहता है कि करवा चौथ के दिन अगर पीरियड हो जाए तो व्रत रखें या ना रखें, इसको लेकर महिलाएं काफी ज्यादा परेशान भी रहती हैं। और अगर आपको पहले से ही पीरियड शुरू हो रहा है या पीरियड चल रहा है ना, तो भी आप करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं मान्यता ऐसी भी है कि पीरियड के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए और भगवान के साथ ही किसी भी पूजा सामग्री को छूना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि महिलाओं को समझ में भी नहीं आता है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और करवा चौथ का व्रत साल में एक बार आता है, ऐसे में अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं परेशान भी हो जाती है और परेशान होना लाजमी भी है। ऐसे में आपको बता दें कि शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म में यानी कि पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना वर्जित नहीं है, आप व्रत रख सकती है। अगर आप मासिक धर्म के समय से गुजर रहे हैं तो आप बिना किसी परेशानी के व्रत को पूरा कर सकती है, बस आपको व्रत के दौरान कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इस दौरान महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि पीरियड के दौरान वो व्रत करे बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, लेकिन उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, किसी धार्मिक ग्रंथ को छूना नहीं चाहिए और वह घर में किसी और से करवा चौथ की कथा सुन सकती है। महिला को मंदिर से अलग होकर व्रत रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, ऐसा करने से उनका व्रत भी सफल होगा और साथ ही व्रत भंग होने का दोष भी नहीं लगेगा। और आप चाहे तो किसी और से भी आप अपनी पूजा करवा सकती है, लेकिन स्वयं पूजा नहीं करें और ना ही पीरियड के दौरान करवा चौथ अगर व्रत रख रही है तो आपको पूजा सामग्री को छूना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं करवा चौथ के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, करवा चौथ का दिन भगवान गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती जी की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ के दिन कुछ उपाय करने से आपको अपार धन दौलत मिल सकती है और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो पूरी भी हो सकती है। करवा चौथ के दिन लाल कपड़े में 5 हल्दी की गांठ रखकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा से अगर आपके कोई भी आर्थिक समस्या है या आर्थिक तंगी चल रही है ना, तो उससे छुटकारा मिलेगा और साथ ही घर में धन की आवक
आवक भी बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो चुका है, बहुत ही ज्यादा कर्ज हो चुका है ना, तो करवा चौथ के दिन गणेश जी भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं, या फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद जो घी और गुड़ का आप भोग लगाए है ना, ये घी और गुड़ दोनों ही आप गौ माता को खिला दीजिए। आपको जल्द से जल्द विद इन एक साल के अंदर अंदर अगले करवा चौथ से पहले ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। भगवान गणेश जी का पूर्ण रूप से समर्पित आशीर्वाद रहेगा। अगला उपाय है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में यानी कि वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या है, तो करवा चौथ के दिन गणेश जी को दुर्वा के साथ ही गुड़ की 21 गोलियां बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से भी दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। और पति पत्नी के बीच अगर कोई भी मन मुटाव चल रहा है, तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले गाय को अपने हाथों से खिलाएं। इससे भी पति पत्नी के बीच आपसी संबंध जो है वो मधुर बनेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ करवा चौथ की अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।